इनके लब रंगी मिठावर के जिसने पाल है, नाम लेने को इन्होंने मना किया और अच्छा किया नाम लेने को मना किया। नागपुर से हैं, ये पूछते हैं क्या एक साथ दो बीवियों के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ है। तो एक साथ दो बीवियों के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ तो है, लेकिन ये फेल में जो है बेपर्दगी का गुनाह होता है। यानी औरत मर्द का आपस में कोई पर्दा नहीं है शोहर बीवी का, तो वो हमबिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन उसकी दूसरी बीवी का आपस में इन दोनों औरतों का पर्दा ज़रूर है। यानी सितर गलीज का पर्दा, यानी पर्दे की जो मकाम है शर्मगाह का और सीने का, तो इसका पर्दा दूसरी औरत से भी होता है, यानी दूसरी मुसलमान औरत से भी। तो अगरचे वो दोनों इसकी बीवियां हैं, लेकिन वो औरतें आपस में बहुत सारी जगह पर्दे की है कि जो नहीं देख सकती। तो अगर दोनों के साथ एक साथ हम बिस्तरी की जाएगी तो जाहिर है कि उन दोनों के सितर पे आपस में नज़र पड़ने का मामला रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये उसमें अंदाज़ा लगाएँ कि अगर इस तरह किया जाए कि लाइट बंद करी जाए तो देख ना पाए तो क्या जायज़ हो जाएगी, तो भी जायज़ नहीं है। क्योंकि शरीयत ने हर एक इंसान की फितरत का ख्याल रखा हुआ है। किसी भी एक औरत जो कि बीवी हो उसके सामने दूसरी औरत के साथ ऐसा मामला करना, यह हरगिज़ दोनों की तबीयत को आपस में गवारा नहीं होगा। और इस मामले में अगर दोनों की तबीयत नहीं मिलती तो इससे आने वाली औलादों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि मामला ये अलग अलग रखा जाए, दिन वगैरह के हिसाब से अलग अलग रखा जाए, और एक साथ ये करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि नाजायज़ और गुनाह है कि दोनों का आपस में एक दूसरे को सितर का देखना या एक दूसरे को तकलीफ़ देना आपस में ही रंजिश और तकलीफ़ का ये बाइस बन सकता है। बल्कि किसी के सामने इशारतन भी इस तरीके का मामला करना, चाहे वो जौजा हो या ये कि दूसरी बीवी हो या सौतन हो, कि पहली वाली को या किसी और को वहाँ लोगों को खबर हो किसी के अलग जाने की कि क्या वजह है कि दोनों अलग जा रहे हैं, उनको अगर इशारों में भी खबर हो जाए, शरीयत ने इस चीज़ को भी मना किया है। यानी ये पर्दे के मामले इतने पर्दे में होने चाहिए कि इसकी इशारों में भी किसी को खबर ना हो कि आपके उठने चलने का अंदाज़ ऐसा हो, यानी बीवी को साथ ले जाने का अंदाज़ ऐसा हो कि वहाँ की मजलिस समझ जाए या लोग समझ जाएँ कि आप किस वजह से कमरे में गए हैं। तो इस तरीके को भी शरीयत ने मना किया है। यानी इतना लिहाज रखा है मर्द और औरत की आपस की हया का कि इनमें इशारे तन भी लोगों को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। तो जब शरीयत ने इस बात तक का ख्याल रखा कि आप अगर किसी अपनी बीवी को हाथ पकड़ के कमरे में ले जाएं और वहाँ बैठे लोग या वहाँ एक हो या दो हो या दूसरी औरत हो, वो पहचान जाए कि किस लिए ये गए हैं, किस मामले की वजह से गए हैं, तो भी शरीयत इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि ये बातें भी ज़ाहिर तौर से हया के ख़िलाफ़ और बेगैरती वाली नज़र आती हैं, तो शरीयत इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देती। तो जब इसकी इजाज़त नहीं है तो एक ही साथ में एक ही कमरे में दोनों के साथ मामलात को करना शरीयत किस तरह इजाज़त देती है। तो जिनकी दो बीवियां होती हैं उनके अंदर ये गलत फहमी अक्सरों में पाई जाती है कि वो ये समझ रहे होते हैं कि मियां बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं होता, लिहाजा दोनों ही बीवियाँ हैं तो मुझे इनसे कोई पर्दा नहीं है, तो वो ये मामलात जो है ना दोनों के एक साथ कर रहे होते हैं। जबकि शरीयत के अंदर ये चीज़ नापसंदीदा है, क्योंकि आपस में औरतों का पर्दा है, तो इस चीज़ का ख्याल जो है वो रखना चाहिए। और फिर बीवी को तकलीफ़ देने वाली बात भी है, उसकी दिल आज़ारी वाली बात भी है। पुरानी बात।